सो हेलो एवरीवन, एज यू ऑल नो दिस इज निहाका तिवारी. सो गाइस, वी आर बैक विद अनदर वीडियो रिलेटेड टू सीरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर लास्ट टॉपिक ऑफ योर दिस प्लेलिस्ट, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. तो आज ये आखिरी टॉपिक है, इसके बाद सिलेबस आपका खत्म है. ठीक है, एनईबी के अकॉर्डिंग पूरा सिलेबस जो है वो कवर अप कराया है. अगर आपको लगता है कोई टॉपिक रह गया है आपकी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, तो उसे आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में. आई विल ट्राई कि उसको भी कवर अप कर लिया जाए. वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लीजिए अगर आपने फर्दर पार्ट नहीं चेकआउट किए हैं, और इंस्टाग्राम टेलीग्राम में मुझे ज्वाइन कर सकते हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सो नाउ गाइज, आज हम जिस टॉपिक को लेकर बात करेंगे वो है रीसेंट एडवांसेस इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. मतलब कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में क्या नए नए एडवांसेस या नए नए चेंजेस आए हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ठीक है, क्या नए चेंजेस हैं, कुछ नए ट्रेंड्स आए हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की फील्ड में, वो क्या है. वो पहला है रिमोट कल्चर एंड वर्चुअल कोलैबोरेशन. जैसे ही कोविड की पेंडेमिक आई, आपको पता है कि रिमोट वर्क और वर्चुअल कोलैबोरेशन बढ़ गया. मतलब कि आपको पता है लोग आके तो वर्क प्लेस में एक साथ काम नहीं कर सकते, लेकिन वर्चुअल टीम बना सकते हैं, ऑनलाइन एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं. ठीक है, वर्चुअल टीम मतलब कि ऑनलाइन टीम क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, तो इससे क्या हो रहा था, आप एक नया एक चेंज देखते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में. एक नया चेंज आता है, वो आता है वर्चुअल कोलैबोरेशन और रिमोट वर्क का. मैनेजिंग रिमोट इम्प्लॉयज एंड एड्रेसिंग चैलेंजेस रिलेटेड टू कम्युनिकेशन एंगेजमेंट वर्क लाइफ बैलेंस इन रिमोट वर्क एनवायरनमेंट. मतलब कि जो इम्प्लॉयज हैं उनके जो भी चैलेंजेस हैं कम्युनिकेशन से रिलेटेड, इंगेजमेंट से रिलेटेड, वर्क लाइफ कैसे मैनेज करना है, उस चीज़ को आपने क्या किया यहाँ पे मैनेज किया. ठीक है, क्योंकि जो रिमोट इम्प्लॉयज हैं मतलब कि जो ऐसे रिमोट वर्क एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, जो दूर रह रहे हैं, वो कैसे अपने काम को कर पाएंगे. क्या आप उनको जॉब से निकाल देंगे क्योंकि वो आ नहीं पा रहे, ऐसा नहीं है. आप वो नहीं आ पा रहे तो आप कुछ तकनीक निकालिए जिससे उनको भी क्या कर पाएं, आप जोड़ पाएं, दैट इज योर वर्चुअल कोलैबोरेशन के थ्रू, जो कोविड 19 में देखने को मिला. नेक्स्ट इज डाइवर्सिटी इक्विटी एंड इंक्लूजन. मतलब कि आपको ऑर्गेनाइजेशन में अब जो एक ट्रेंड आया वो आया है कि हमें डाइवर्सिटी पे फोकस करना है, इक्विटी पे फोकस करना है, इंक्लूजन में मतलब कि समावेशन में सबको एक साथ लाना है, इंक्लूसिव कल्चर को फोकस करना है, बिल्ड कर पाए, बायसनेस नहीं लगानी हमें डिसीजन मेकिंग में, पक्षपात नहीं करना है, डाइवर्सिटी प्रमोट करनी है लीडरशिप पोजीशन में, अलग अलग नेचर के अलग अलग लोगों को, अलग अलग कल्चर के लोगों को एक साथ लाना है, इक्विटेबल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है एम्प्लॉयज के लिए. ठीक है, वेलबींग एंड मेंटल हेल्थ पे ध्यान दिया जा रहा है, दैट इज ग्रोइंग अटेंशन दिया गया है एम्प्लॉय की वेलबींग पे, उसकी मेंटल हेल्थ पे. कैसे आप मेंटल हेल्थ को उसकी अच्छी कर सकते हो, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस को कैसे आप कम कर सकते हो, तो रिसर्च भी हुई है इसके रिगार्डिंग. इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिएटिंग सपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट, की वर्क एनवायरनमेंट को कैसे सपोर्टिव बनाना है, एम्प्लॉय की वेलबींग को कैसे ध्यान देना है, माइंडफुलनेस, रेजिलेंस ट्रेनिंग, इन सारी चीज़ों पे हमें वर्क करना है ताकि हम उनकी वेलबींग को प्रमोट कर पाए. तो इन सारी चीज़ों पे ये सब ट्रेंड्स हैं जिस पे ध्यान दिया जा रहा है अब वेलबींग और मेंटल हेल्थ. कोविड 19 के बाद वेलबींग मेंटल हेल्थ पे और ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया गया. टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत ज़्यादा आ गई है, बहुत ज़्यादा उसको प्रमोट किया जा रहा है. तो ऑर्गेनाइजेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लाया जा रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी को जोड़ा जा रहा है. तो इससे देखा जा रहा है, रिसर्च इज एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ ऑटोमेशन, एआई बेस्ड डिसीजन मेकिंग सिस्टम एंड एथिकल कंसिडरेशन रिलेटेड टू यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन मैनेजिंग एम्प्लॉयज. तो रिसर्च ये भी जा रही है कि देखें कि इस एआई के यूज से उसका जो डिसीजन मेकिंग सिस्टम है उसके आधार पर जो डिसीजन ले रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम ऑर्गेनाइजेशन के, उन सबका क्या एम्प्लॉय के साथ तो बैठ रहा है तालमेल, क्या वो टेक्नोलॉजी को यूज कर पा रहे हैं हम एम्प्लॉय को मैनेज करने के लिए. तो इन सब चीजों पे नए ट्रेंड्स पे ध्यान दिया जा रहा है. नेक्स्ट इज एम्प्लॉय इंगेजमेंट एक्सपीरियंस. ऑर्गेनाइजेशन फोकस कर रही है कि एम्प्लॉय को हम और इंगेज कराएं, क्रिएटिव सपोर्टिव और पॉजिटिव वर्क एक्सपीरियंस उनके लिए दिए. रिसर्च एक्सप्लोर फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस इंगेजमेंट सच एज मीनिंगफुल वर्क, ऑटोनॉमी, सोशल कनेक्शन. और रिसर्च भी करी जा रही है ताकि हम समझ पाएं कैसे हम एम्प्लॉय को और ज्यादा एक ऑर्गेनाइजेशन में इंगेज कमिटेड बना सकते हैं. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर और वैल्यूज पे ध्यान दिया जा रहा है. मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर क्या है, वैल्यूज क्या है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय के बिहेवियर को शेप करती है, उसकी परफॉर्मेंस, उसके अटेंशन को इंक्रीज करती है. तो इन सारी चीज़ों पे भी हम ध्यान दे रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को हम फोकस कर रहे हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर, हमारी जो वैल्यूज हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बताती है एम्प्लॉयज किस तरीके से बिहेव करें, किस तरीके से परफॉर्म्स करेंगे, उन सब चीज़ों पर अब ध्यान दिया जा रहा है. रिसर्च इज एग्जामिंग हाउ टू क्रिएट एंड सस्टेन पॉजिटिव कल्चर. रिसर्च करी जा रही है कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन में एक पॉजिटिव कल्चर ला पाएं.
अलाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू विद एम्प्लॉयज वैल्यू, कैसे ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू को एम्प्लॉय की वैल्यू से जोड़ पाए। लाइक ऑर्गेनाइजेशन में कोई वैल्यू है कि हम टीम वर्क को कोलैबोरेट करते हैं, एम्प्लॉय भी वैसा सोच रहा है तो हम उसको जोड़ेंगे, या कुछ वो अलग सोच रहा है तो हम उसको कैसे जोड़ सकते हैं, कि हमें एम्प्लॉय चाहता है कि हम फ्री वर्क इन्वायरमेंट भी हमें मिले, हमें थोड़े से यू नो फन एक्टिविटीज भी कराई जाएं। तो ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज में अगर ये सब नहीं है तो अब आप उसको जोड़ो उससे, ठीक है, जिससे आप अच्छा कल्चर ला पाओ ऑर्गेनाइजेशन में, पॉजिटिव कल्चर ला पाओ। एथिकल लीडरशिप एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये लास्ट है कि एथिकल लीडरशिप और CSR डेट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे भी ध्यान दिया जा रहा है। रिसर्च एक्सप्लोर कर रही है क्या इम्पैक्ट है एथिकल लीडरशिप का एम्प्लॉय बिहेवियर पे, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के आउटकम पे, एज वेल एज इंटीग्रेशन ऑफ सोशल एनवायरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब अगर आप सोसाइटी के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, उसके लिए भी काम कर रहे हो, तो उसको भी आप अब और फोकस ला रहे हो कि आप सोसाइटी से जुड़ो, सोसाइटी के लोगों के लिए काम करो, और लीडरशिप एथिकल हो, कुछ गलत प्रैक्टिसेस ना हो, उस तरीके से आप लोगों को गाइड करो। तो इन सारी चीज़ों पे अब हम क्या कर रहे हैं, फोकस ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये ट्रेंड में आई हैं, रिमोट वर्क कोलैबोरेशन हो गया, डाइवर्सिटी इक्विटी, मेंटल हेल्थ हो गया, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, एम्प्लॉय को और एंगेज कराना, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर वैल्यूज, एथिकल लीडरशिप वगैरह। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये आपका एक टॉपिक था जो हो सकता है आए एग्जाम में, तो हमने इसे कवर कर दिया है। सो अगर आपको ये समझ में आया है सो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। रिक्वेस्ट है कि जो आपको लग रहे हैं टॉपिक रह गए उन्हें आप बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सिलेबस आपका कवर अप हो चुका है, प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लीजिएगा जाके, ताकि आपको उससे हेल्प हो पाए, ठीक है। बस इतना ही है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।